हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम ब्लेंडर ट्यूटोरियल की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, पार्ट वन, जिसमें हम एक कार मॉडलिंग करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करे। आपने ब्लेंडर डाउनलोड कर लिया तो शुरू कर दीजिए, या फिर नहीं किया तो आप बाद में डाउनलोड करके इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट क्यू हम रहने देंगे, टैब प्रेस करेंगे, मैं मिडिल क्लिक से मूव कराऊंगा, आप ट्यूटोरियल देख लीजिएगा इससे पहले, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे मैं अपने जो न्यूम पैड की रहती है, न्यूम पैड जो रो रहती है की, जहाँ पे कीज़ रहती हैं, बटन नंबर्स वाली, न्यूम लॉक जहाँ पे रहता है उधर जाइए और वहाँ पे 7 प्रेस कर दीजिए, या फिर जो टैब के ऊपर बटन रहता है उसमें जाके टॉप व्यू प्रेस कर दीजिए, या 7 प्रेस कर दीजिए, आप आ जाएंगे। उसके बाद हमें करना कंट्रोल आर कर सकते हैं, और ऐसे यहाँ पे जब आ जाइए एक येलो लाइन, फिर डबल क्लिक करके लूप पर डाल सकते हैं, या फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, और या फिर आप यहाँ पे जाके लूप कट सेट करके ऐसे भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। तो ये मैंने लूप कट करके कर लीजिए कंट्रोल आर दबा के, और जैसे ही वो उधर लाइन आ जाए डबल क्लिक कर दीजिए, वो लूप कट आ जाएगा। अभी हो गया, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फेस सिलेक्ट पे, 1 2 3, जो दूसरी वर्टिकल वाली रहती है, स्लैंटिंग वाली जो रहती है न्यू पैड की, जो टैब के ऊपर रहती है, उधर जाके आप इसको 1 2 3 जो न्यू पैड कीज़ हैं उनको प्रेस करके मूव करवा सकते हैं। न्यू पैड वाली दूसरी होगी जो न्यू लॉक वाली इधर होती हैं, और इधर भी एक दूसरी रहती हैं जो वर्टिकल रहती हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ पे @ #, ये सब रहता है, उधर में 1 2 3 प्रेस करके आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके। तो यहाँ पे मैंने फेस सिलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस करके कीजिए वर्टिसेस पे, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमें मॉडिफायर ऐड करना है और मिरर मॉडिफायर, ये हो गया। हम एक बार वायर फ्रेम व्यू में चले जाते हैं, जेड दबाइए और आप वायर फ्रेम व्यू में आ सकते हैं, ये हो गया। हम वायर फ्रेम व्यू में आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे ये वाला, उसके बाद हम कार की मॉडलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी न्यू पैड की जो दबा दीजिए, न्यू लॉक वाली जो रहती है, 3 प्रेस कीजिए उसमें, और उसके बाद मैं मिडिल क्लिक से मूव करवा रहा हूँ, आप ट्यूटोरियल देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, फिर शिफ्ट ए, उसके बाद हम एक इमेज करेंगे, इमेज बैकग्राउंड, और जहाँ जो आपने ब्लूप्रिंट अपना डाला है, मैं इसका लिंक ही दे दूंगा, या फिर देख लीजिए ऐसे इमेज लोड हो जाएगी जहाँ आप डाउनलोड करेंगे, मैं इसका लिंक ही दे दूंगा आपको जहाँ पे आपने इमेज डाउनलोड की, या फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप अपनी अलग से भी इमेज कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एस से, इसको स्केल कर लेता हूँ मैं, छोटा कर लेता हूँ, फिर ZY, जिसे हम ग्रैब इन वाई एक्सिस कर सकें, इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ZY, इसको और स्केल कर लेते हैं थोड़ा, ZY, और इसको यहाँ तक ले आते हैं जिससे नीचे से भी टच करे और ऊपर तक भी टच करे। अब ये हो गया, फिर टैब प्रेस करते हैं, फेस सिलेक्ट करते हैं, मिडिल क्लिक, इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, वापस 3 दबा के साइड व्यू में आ जाइए, फिर ई और वाई, जिसे वाई एक्सिस में एक्सट्रूड हो जाए, ZZ, इसको थोड़ा ग्रैप कर लेते हैं, इसे लाइन टच करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस इसको एक्सट्रूड करेंगे ई और वाई दबा के, और यहाँ से इसको इधर तक एक्सट्रूड करेंगे, फिर वापस ई वाई, और चाहे ख़त्म हो रहा हो वहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एच सेलेक्ट पे जाएंगे, मिडिल क्लिक, इस वाले एच को सेलेक्ट करेंगे, वापस री दबाएंगे, और फिर जी और जेड, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके मूव वाले ले सकते हैं और ऐसे मूव करवा सकते हैं। तो ये वाला ले लिया हमने, ये हो गया। उसके बाद वापस फेस सेलेक्ट पे जाइए और इस वाले फेस को सिलेक्ट कीजिए, ये वाला नहीं, जहाँ एकदम पीछे वाला, ये वाला, 3 वापस प्रेस कीजिए, फिर इसको ई और वाई की तरफ एक्सट्रूड कर दीजिए यहाँ तक, इसको और वापस से सिलेक्ट में जाइए, मिडिल क्लिक प्रेस करके इसको यहाँ पे कर लीजिए सिलेक्ट, इस वाली एज को, और इसको ऊपर मूव करवा दीजिए, फिर वापस फेस सिलेक्ट, इसको फेस को सिलेक्ट कीजिए 3, और इसको वापस एक्सट्रूड अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, और एक बार और एक्सट्रूड अलॉन्ग दी वाई एक्सिस ई वाई, या फिर ये भी है आपके पास, पर इसे एक्सट्रूड नहीं होगा, एक्सट्रूड करने के लिए आपको दूसरा करना पड़ेगा, तो आप सिंपली ई वाई दबा दीजिए और ये एक्सट्रूड होता रहेगा। तो पहले यहाँ तक करा, फिर यहाँ तक, फिर वापस दबा के यहाँ तक,
फिर एस सिलेक्ट पे जाएंगे, ये वाली एस सिलेक्ट करेंगे, थ्री प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करवा देंगे, जो लास्ट वाली एज है यहाँ तक, ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला सेटअप इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपना आगे वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो फेस सिलेक्ट पे जाता हूँ मैं, ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, थ्री प्रेस कीजिए नंपैड की पे, इसको पीछे की तरफ मूव करवा दीजिए, फिर वापस सेम एक्सट्रूड अलोंग दी वाई एक्सिस ई वाई, और इसको मिडिल में ले आइए, फिर वापस ई वाई, और यहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट में जाऊँगा वापस, इसे इसको थोड़ा ऊपर मूव करवा देते हैं यहाँ तक, फिर वापस ई वाई एज, सॉरी मैं एज ही सिलेक्ट कर रखी है, हमें फेस सिलेक्ट करना है वाला, ये हो गया, फिर ई वाई यहाँ तक, फिर वापस ई वाई, और इसको आप यहाँ तक ले आते हैं, फिर वापस ई वाई, और ये यहाँ तक हो गया, ये एज सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस वाली ये जो एज है इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं यहाँ तक, हो गया। अब हम इसका ज़रा ऊपर का हिस्सा बना लेते हैं, फिर हम यहाँ आगे और पीछे का सेटअप कर लेंगे। फिर सिलेक्ट पे जाइए, मिडिल क्लिक प्रेस कीजिए, और ये ऊपर वाले फेसेस इनको सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करते हैं मैं एक्सरे ऑफ कर देता हूँ, एक्सरे ऑफ करके हम सॉलिड व्यू में ही चले जाते हैं, जिससे एक्सरे ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, और ये वाला भी, इसको ऑफ करके हम सीधे सॉलिड व्यू में चले जाएंगे। फिर ये जो ऊपर वाले फेसेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे कौन कौन सा फेस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गए, और मुझे ये और ये वाला भी करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर थ्री प्रेस कीजिए, फिर ई एक्सट्रूड कर दीजिए, ये खुद ब खुद जेड एक्सिस की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा, और इसको एक्सट्रूड कर लीजिए ऐसे। अब सोच रहे होंगे कि पीछे का हिस्सा देखना रही है, तो आप इसे एक्सट्रूड ऑन कर दीजिए, अब ठीक है। अब मिडिल प्रेस करके हम इसको सेटअप करेंगे, तो आप एस सिलेक्ट पर चले जाइए, तो अब हम इसको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। आप जो इसकी लाइन्स हैं इनको नीचे तक, जहाँ ये ख़त्म हो रही है कार, वहाँ पे आपको कर देना है, तो आप इनको नीचे लेते आइए सबको सिलेक्ट करके, ऐसे करके हर एच को एक एक बार सिलेक्ट कीजिए, और इसको मूव करवा दीजिए। और मैं हाँ एक बात बता दूं, जो मैंने फेसेस एक साथ सिलेक्ट किए थे वो मैं बताना भूल गया, उनको एक साथ कैसे सिलेक्ट करना है। ऊपर वाले फेसेस को आप पहले एक फेस सिलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट होल्ड करके रखिए, और बाकी फेसेस ऐसे सिलेक्ट करते जाइए जो ऊपर वाले सारे हैं, तो सिंपली आपको बस ऐसे ही करना है। तो मैं कंट्रोल से दबा देता हूँ, और यहाँ पे एज सिलेक्ट पे आ जाता है वापस, तो यहाँ पे अब मुझे करनी सिलेक्ट एज ये वाली, थ्री पर जाता हूँ मैं वापस, अब इसको नीचे मूव करवाना, और ये ऐसे, अब वापस इस वाले इसको सिलेक्ट कीजिए, और इसको नीचे ऐसे इसको मूव करवा दीजिए, यहाँ कार ख़त्म हो रही हो, और वापस इसको भी नीचे मूव करवाइए, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। फिर उसी तरह इसको भी थ्री दबाते आप वापस साइड भी में जाएंगे, बस थ्री दबा दीजिए, एच को सिलेक्ट कीजिए, थ्री दबाइए, और इसको नीचे लेके आ जाइए यहाँ तक, वापस मिडिल के इस सिलेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, वापस को नीचे लेके आ जाइए, और इसको हमें थोड़ा पीछे करना पड़ेगा वरना ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा पीछे कर लेंगे ऐसे यहाँ तक, फिर इसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे, इससे ऐसे एग्जैक्ट बन जाए, तो इसको हमें नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम इसे थोड़ा पीछे कर देना है। उसके बाद आगे का कर लेते हैं, ये जो है जैसे इनको भी कर देते हैं जल्दी से, थ्री दबाइए, इसको नीचे कर दीजिए, जहाँ ये कार का आगे वाला हिस्सा ख़त्म हो रहा हो इसको भी नीचे, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी कर दीजिए, से एरोडायनामिक्स लुक आए एकदम, और वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, और इस वाले को भी सेमली यहाँ ऐसे ख़त्म कर दीजिए, तो ये आगे वाला हिस्सा हमारा बन गया, इसको ये थोड़ा ऊपर कर दीजिए, तो ये हो गया। और इसको हम ज़रा थोड़ा आगे कर देते हैं, तो अब अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा हो, मैं बस सिंपली ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ, थोड़ी आपको अपनी इमेजिनेशन भी लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं
ये हमारा कार का रफ मॉडल बन चुका है और अगले ट्यूटोरियल में हम इसके व्हील रिम्स बनाने वाले हैं। तो मैं एक बार टैब प्रेस कर देता हूँ, टैब वापस कर दीजिए और ए दबा दीजिए जिससे सिलेक्ट वाल हो जाए। फिर ये वाला जो है एक्स एक्सिस मूव करवाने वाला, इसको मूव, एक मिनट, जो आपने जब मिरर मॉडिफायर डाला था यहाँ पे क्लिपिंग वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिपिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब ठीक है, अब हम इसको एक्स एक्सिस पे ऐसे थोड़ा इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं, और अपने हिसाब से आप इसकी विड्थ जितनी आप चाहें आप उतनी कर सकते हैं। तो ये इतनी विड्थ इसकी, ये विड्थ आई थिंक थोड़ी और बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ी सी और, ज़्यादा मत बढ़ाई क्योंकि व्हील रिम्स के लिए भी थोड़ी जगह चाहिए होगी। मैं आई थिंक इतनी ठीक रहेगी। तो आई ये इतना हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने कार का रफ मॉडल बना लिया, अब अगले पार्ट में हम इसको व्हील रिम्स बनाएंगे और इसकी थोड़ी मॉडलिंग करेंगे, और तीसरे पार्ट में फिर टायर्स बनाएंगे, और चौथे पार्ट में आखिरी में रेंडरिंग करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इससे पिछली वीडियो में कोई भी पहली वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो तो उसमें भी लिख दीजिए, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रफ मॉडल बन गया। अगर आपका कुछ अलग बनाना हो तो आप अपनी इमेजिनेशन से उसको जैसे आप बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू, बाय, जय हिंद, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।